करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से फिटफाट होंगे। तो आज हमारे पास ये टोयोटा कोरोला एल्टिस 1.6x का मॉडल है, एक सुपर एक्ट ऑटोमेटिक। इसका हम रिव्यू करेंगे और इसका मैं आपको सारे वेरिएंट, मेक मॉडल वेरिएंट सारे वो भी बताऊँगा। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए रिव्यू अपना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट, जहाँ तक इसके फ्रंट की बात की जाए तो आप ये इसमें ये DRLs वगैरह मिल जाती हैं। बाकी नीचे मैट फिनिश बम्पर के अंदर ये मिल जाता है। उसके बाद फॉग लाइट्स की बात की जाए तो ये ऑप्शन आपको इस कोरोला के अंदर मिल जाता है। बाकी 2022 का मॉडल है ये। बॉडी किट्स वगैरह ये इसके अंदर जो है कंपनी से ही आती हैं, आफ्टर मार्केट इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया गया। बाकी इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो जिस तरह आप देख सकते हैं सारा ऐसा जितना कोई ख़ास वो नहीं है। 16 इंचेस के अलॉयज़ इसमें मिल जाते हैं आपको। योकोहामा के टायर्स हैं इसके साथ और 205/55 और 16 का जो है इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे डुअल VVTi का बैज मिल जाता है आपको। और इसके अंदर जो है ये साइड मिरर्स इनके साथ ही इनमें जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे मैट फिनिशिंग मिल जाती है। उसके अलावा एज सच कोई इतना ख़ास वो नहीं है। तो अब चलते हैं इसकी बैक साइड की तरफ। वालों ने जो है आपको बड़ा फ्री किया है शशका मोड। ये आप जिस तरह इसकी ट्रंक देख सकते हैं, इसके अंदर अभी ज़रा सामान वगैरह पड़ा है, लेकिन एज सच माशाल्लाह बहुत स्पेशियस ट्रंक है इसके अंदर। बाकी जिस तरह आप ये देखें बम्पर के अंदर एक मैट ब्लैक का टच दिया गया है इसके अंदर और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं। तो अभी चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ, मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ। तो जी व्यूअर्स, अभी इसका मैं फ्रंट आपको दिखाता हूँ। एज सच आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत। इसके अंदर आपको डुअल VVTi 1.6 इंजन मिल जाता है। इसकी तकरीबन 115-116 के अराउंड हॉर्स पावर आपको इसमें मिल जाती है। बाकी ABS ब्रेक्स वगैरह, बैटरी इसमें आपको कंपनी की तरफ से, ये पता नहीं कौन सा कंपनी है ये, FB जो। तो जी व्यूअर्स, अब इसकी इस साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो माशाल्लाह गाड़ी को ग्लास कोटिंग भी हुई है, जिस तरह आप ये शाइन्स वगैरह देख सकते हैं गाड़ी की। बाकी एज सच ये साइड भी उस तरह ही 16 इंचेस के अलॉयज़, VVTi बैज और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको बॉडी कलर के अंदर मिल जाते हैं। और बाकी आप जिस तरह ये साइड प्रोफाइल इसकी देख सकते हैं, ये एग्रेसिव लुक है इस गाड़ी की। इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है। और ये जो कर्व्स वगैरह बनाई है टोयोटा वालों ने माशाल्लाह, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, एरोडायनामिक्स करने की कोशिश की है। बहरहाल वेरी एग्रेसिव शेप। तो चलते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आपको इसका दिखाता हूँ। तो इंटीरियर की फर्स्ट लुक आप जिस तरह देखें तो हमें बेज और ब्लैक कलर के लेदर का जो है कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बाकी आप जिस तरह ये देखें, इन गाड़ियों में ब्लैक इंटीरियर भी है लेकिन उसकी प्राइस ज़रा सी ज़्यादा है, बेज जो है इसकी कम है। बेज कलर जो है ये जल्दी मैला हो जाता है, तो ब्लैक जो है इसलिए ज़रा उसकी मार्केट जो है वो ज़्यादा है। बाकी आप जिस तरह इसके देखेंगे, इसके अंदर सिल्वर ट्रिम्स वगैरह मिल जाती हैं। शीशा इसमें सिर्फ एक ही ऑटो मिलता है। बाकी अंदर चल के बैठते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो जी इसमें हमें 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, SRS एयर बैग्स, एक ड्राइवर साइड पे और एक पैसेंजर साइड पे। तो इधर हमें जो है ये सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो डैशबोर्ड मिल जाता है। ऊपर भी सॉफ्ट टच है, प्लास्टिक नहीं है। बाकी इसके डोर ट्रिम्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमें जो है ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच मिल जाता है। और ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी, ये इसके ऊपर भी जो है हमें थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच मिल जाता है। बाकी इसके वेंट्स की बात की जाए तो ये कोरोला में जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये ज़रा उसको एयर शेप में देख के जो है ना बोर हो गए थे। तो बस ये जो वेंट है ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया है। बाकी यार सच ये जो है 1.6x का जो है वो एक तरह से समझ लें कि बेस वेरिएंट है। तो इसमें जो है हमें ट्रिप्टॉनिक नहीं मिलता, लेकिन इसमें इस तरह ये 3.2L जिस तरह नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ियों में होता है वो चीज़ हमें मिल जाती है। 12 वॉट का सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है और फॉग लाइट के कंट्रोल्स, एसी के यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। पुश स्टार्ट इसमें नहीं है। इससे जो अप मॉडल है अल्टिस ग्रैंडे 1.8x उसमें हमें जो है पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं, ट्रिप्टॉनिक भी मिलती है गियर, और उसके अलावा हमें जो है उसमें पुश स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी एज सच इस गाड़ी में कोई इतना कोई वो नहीं है ख़ास। बाकी आप जिस तरह इसके ये देख सकते हैं और ये ग्लव बॉक्स भी देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी स्पेस है माशाल्लाह। तो अब चलते हैं गाड़ी की स्टार्टिंग में, छोटी सी गाड़ी की ड्राइव लेते हैं और फिर आपको इसकी ड्राइव का बताते हैं कि इसकी ड्राइव कैसी है। तो जी चलते हैं अब इसकी ड्राइव पे। तो स्टार्टिंग आप देख सकते हैं ये। तो आप चलते हैं इसकी ड्राइव पे। ड्राइव का मैं आपको बताता हूँ, माशाल्लाह बहुत स्मूथ गाड़ी है। तो इसमें सस्पेंशन जो है वो थोड़ी सी स्टिफ रखी गई है टोयोटा वालों की तरफ से, लेकिन अगर होंडा को कंपेयर किया जाए टोयोटा के साथ तो टोयोटा की जो सस्पेंशन है वो बहुत बेहतरीन है। होंडा की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, इसीलिए उन गाड़ियों की ज़्यादा ग्रिप है। इन गाड़ियों की ग्रिप उस तरह नहीं होती, लेकिन यह है कि कंफर्टेबल बहुत है, सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्ट है। बाकी इसके अंदर MID इंस्टॉल्ड है जिस तरह आप देख सकते हैं, ये तो हर ही करोला में जो है आती है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ पे जो है हमारे पास यही मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। इसमें हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल जो है उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अल्टिस 1.8 ग्रैंडे जो इसमें आई है उसमें हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, उसमें हमारे पास सनरूफ आता है, उसमें हमारे पास ट्रिप्टॉनिक CVT गियर आता है। उसके अलावा उसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं, इसमें हमें मिरर्स जो हैं वो हाथ से फोल्ड करने पड़ते हैं, रिट्रैक्ट नहीं होते। बाकी सिर्फ यही फ़र्क है। और ये बेस वेरिएंट है, जो अल्टिस ग्रैंडे X 1.8 है वो फुल ऑप्शन कार है। तो उसके अलावा एज सच कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है इनमें। तो जी व्यूअर्स जिस तरह आप ये रहा तेरे साथ मैं बना ही गया हूँ रिव्यू। तो ये रहा चौधरी खुदा की कसम मैं तेरी ना मैं चल अजान हो